दोस्तों एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। उम्मीद करते हैं कि आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। आज की इस वीडियो में मैं आपको हरिद्वार से केदारनाथ धाम यात्रा के बारे में, बजट प्लान के बारे में जानकारी दूंगा। कम से कम कितने खर्चे में आप हरिद्वार से केदारनाथ धाम की यात्रा कर सकते हैं और केदारनाथ धाम से कितने कम खर्चे में आप हरिद्वार वापस आ सकते हैं, इसके बारे में मैं पूरी डिटेल में जानकारी दूंगा। वीडियो थोड़ी बड़ी हो सकती है, लेकिन पूरा जो मेरा अनुभव है उसके अकॉर्डिंग ये मैंने वीडियो तैयार किया है। हरिद्वार से बस का किराया कितना लगेगा, आगे आपको क्या टैक्सी लेनी होगी, जीप लेनी होगी, कितने में आपको रूम मिलेगा, वापस आने में आपको कितना खर्चा करना होगा या लगभग भोजन में कितना खर्च आपको करना होगा, ये सभी जानकारी इस वीडियो के माध्यम से मिलेगी। अगर आप इस वीडियो को पूरा देखेंगे तो केदारनाथ धाम की यात्रा जो है कम पैसे में कर पाएंगे। हरिद्वार से जब आप केदारनाथ धाम जाते हैं और केदारनाथ धाम से जब हरिद्वार आते हैं तो डिपेंड करता है कि आपका बजट कैसा है, उसी के अनुसार आप यात्रा करेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। सबसे अच्छा रास्ता होता है कि आप बस के द्वारा यात्रा करें। हरिद्वार से पहले का जो किराया है या हरिद्वार से पहले का जो आप यात्रा करके हरिद्वार पहुंचते हैं, उस किराए को हम इसमें ऐड नहीं करेंगे, क्योंकि अलग अलग स्टेट से लोग हरिद्वार पहुंचते हैं तो इसमें कुछ कह पाना कि हरिद्वार से पहले का खर्चा कितना आएगा ये आपको खुद देखना होगा। मैं हरिद्वार से केदारनाथ और केदारनाथ से हरिद्वार तक के पूरे खर्चे के बारे में बात करूँगा, तो वीडियो में बने रहें और लास्ट तक जरूर देखें। अगर आप इस वीडियो को पूरा देखेंगे तो फिर किसी और वीडियो के देखने की जरूरत नहीं होगी, आपको हर एक विषय के बारे में पूरी जानकारी मिल जाएगी। तो आइए वीडियो शुरू करते हैं, हरिद्वार से केदारनाथ धाम की यात्रा कम बजट में कैसे करें। मेरा नाम है मुकेश, आप सभी देख रहे हैं मुकेश हेल्प। दोस्तों केदारनाथ धाम की यात्रा करना है तो सबसे पहले आपको हरिद्वार पहुंचना होगा। हरिद्वार से सुबह सुबह लगभग 4 बजे से लेकर 8-9 बजे तक सुबह का समय आपको आसानी से बस मिल जाएगी, जो सोनप्रयाग तक बसें जाती हैं। हरिद्वार से जब सोनप्रयाग आप पहुंचते हैं तो ये इस बात का आपको ध्यान रखना है कि हरिद्वार से अर्ली मॉर्निंग ही आप बस पकड़ें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि जब आप सोनप्रयाग उस दिन पहुँच जाएंगे तो आपको वहाँ से गौरीकुंड भी जाना होता है। बस का किराया की बात की जाए तो 550 रुपये के आसपास हरिद्वार से सोनप्रयाग का किराया है, और उसके बाद जब आप सोनप्रयाग पहुंच जाते हैं तो बस जो है आपको बस स्टैंड तक उतार देगी। वहां से आपको 400 मीटर पैदल जाना होगा। सोनप्रयाग में एक जीप का स्टैंड है जहां से गौरीकुंड के लिए जीप मिलती है, और मात्र 50 रुपये देकर आप सभी गौरीकुंड पहुँच सकते हैं। तो इस तरह किराया जो है, पहले तो 550 रुपये आपका सोनप्रयाग तक लगा, उसके बाद 50 रुपये जीप को देकर आप गौरीकुंड तक पहुंच सकते हैं। हमने इस यात्रा को सिंगल पर्सन के अनुसार प्लान किया है। अगर आप ग्रुप में रहेंगे तो ये यात्रा थोड़ी और भी सस्ती पड़ सकती है, क्योंकि ग्रुप में जब आप स्टे करने के लिए होटल लेंगे या धर्मशाला लेंगे तो वो जो चार्जेस हैं वो डिवाइड हो जाते हैं। लेकिन अगर आप सिंगल हैं तो गौरीकुंड पहुंचने के बाद आप वहां पर डोरमेट्रिक बेड देख लें। डोरमेट्रिक बेड जो है वो 700 रुपये में आपको गौरीकुंड के आसपास मिल जाएंगे, और आपको थोड़ा सा ढूंढना पड़ेगा, मेहनत करनी होगी, क्योंकि अगर आप होटल लेंगे तो गौरीकुंड में भी होटल जो है काफ़ी महंगे हैं। तो बजट यात्रा है तो आपको थोड़ा मेहनत करना होगा। आप डोरमेट्रिक जो बेड है वो ले सकते हैं, लगभग 700 रुपये में आपको बेड मिल जाएगा। उस दिन आप स्टे करें, उसके बाद नेक्स्ट डे आप अपना रूम चेकआउट कर दें। अगर आपके पास ज़्यादा लगेज है तो उसी होटल या लॉज में आप अपना सामान रख दें, रूम को छोड़ दें। नेक्स्ट डे आप चढ़ाई शुरू करें। चढ़ाई जो है वो आपको लगभग 5 बजे सुबह शुरू कर देना है, क्योंकि गौरीकुंड से केदारनाथ धाम का जो ट्रैक है वो 16-17 किलोमीटर काफ़ी टफ ट्रैक है, काफ़ी ज़्यादा चढ़ाई है। तो सुबह चलेंगे तो आपके पास पर्याप्त समय होगा और आप आसानी से केदारनाथ धाम मंदिर पहुंच जाएंगे। वीडियो अच्छी लग रही है तो शेयर जरूर करें ताकि ये जानकारी ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचे। दोस्तों अगर फिर भी आपके मन में कोई भी सवाल है तो आप इंस्टाग्राम में जाकर मैसेज कर सकते हैं। इंस्टाग्राम आईडी जो है मुकेश हेल्प नाम से है, मैं आपको वहां पर जवाब दे दूंगा।
ट्रैक में जल्दबाजी ना करें, आराम से यात्रा करें। और 5 बजे अगर आप पैदल यात्रा शुरू करते हैं तो लगभग 4 बजे के आसपास आप मंदिर में पहुंच जाएंगे। जैसे ही आप मंदिर में पहुंचते हैं तो दर्शन बाद में करें, पहले अपने रात में रुकने का व्यवस्था जरूर कर लें, क्योंकि अगर आप लेट करते जाएंगे तो केदारनाथ धाम में रुकने की इतनी ज़्यादा व्यवस्था नहीं है। तो सबसे पहले आप या तो बेस कैंप में या जितने भी वहाँ कैंप की सुविधा है वहाँ पर जाइए और अपने रात में रुकने की बुकिंग कर लें। 800 रुपये से लेकर 900 रुपये के आसपास आपको वहाँ पर कैंप में जगह मिल जाएगी। उसके बाद अपना सामान वहाँ पर रख कर आप दर्शन के लिए लाइन में लगे, दर्शन करें और उसके बाद आराम से कैंप में आइए, रात में रुकिए और अगले दिन सुबह के समय फिर से आप सभी केदारनाथ धाम मंदिर में दर्शन करें। अगर आप केदारनाथ धाम में सुबह के समय दर्शन करना चाहते हैं तो 3-4 बजे आपको लाइन में लग जाना है ताकि 8 बजे के आसपास आपके दर्शन हो जाएं। उसके बाद आप नीचे उतरना शुरू कर दें, नीचे आएं। जब गौरीकुंड पहुंच जाते हैं तो आप कोशिश करें, अगर समय है आपके पास तो अपना लगेज जो है वो लॉज से ले लें और वहां से आप सोनप्रयाग तक नीचे और आ जाएं। सोनप्रयाग तक आपको आएंगे तो 50 रुपये फिर से जीप को देना होगा, क्योंकि गौरीकुंड से सोनप्रयाग के 50 रुपये जीप के चार्जेस लगते हैं। उसके बाद सोनप्रयाग पहुंचे और सोनप्रयाग में आप डोरमेट्रिक जो बेड हैं वो भी वहां पर ढूंढ लें। 600-700 रुपये में आपको आसानी से डोरमेट्रिक बेड जो है वो सोनप्रयाग में मिल जाएगा। आप रात्र विश्राम करें और नेक्स्ट डे आप फिर से सोनप्रयाग से जीप पकड़ें और हरिद्वार वापस आ जाएं। अब बात करते हैं भोजन की। ये जो यात्रा है ये 4 दिन की यात्रा होती है और अगर आप सुबह ब्रेकफास्ट करते हैं, दिन में लंच करते हैं, शाम को डिनर करते हैं तो मान के चलते हैं कि 300 रुपये या 350 रुपये में आप तीनों टाइम में नाश्ता और शाम का भोजन, दोपहर का भोजन कर लेंगे। अगर आप पानी की बोतल लेना चाहते हैं तो उसके चार्जेस आपके अलग अलग हो सकते हैं। हालांकि रास्ते में कई जगह पानी की व्यवस्था है तो आप उसके अनुसार भी देख सकते हैं। अगर पानी की बोतल लेना चाहते हैं तो ये मान के चलते हैं कि 350 रुपये में आपको एक दिन का खर्चा हो जाएगा भोजन में। तो ऐसे 4 दिन लगेंगे तो 350 आप 4 कर सकते हैं, लगभग 1400 रुपये के आसपास आपका भोजन हो जाएगा। किराए की बात की जाए तो 550 रुपये हरिद्वार से सोनप्रयाग का था और सोनप्रयाग से फिर हरिद्वार आते हैं तो 1100 रुपये इस तरह ये हो जाता है। तो 2500 रुपये ये हो गए आपके। 50-50 रुपये दो बार आप जीप लेंगे सोनप्रयाग से गौरीकुंड और फिर जब वापस आएंगे तो गौरीकुंड से सोनप्रयाग, 100 रुपये ये हो जाएंगे तो 2600 रुपये ये हो जाते हैं। उसके बाद रूम की बात की जाए तो 700 रुपये में आपको गौरीकुंड में डोरमेट्रिक मिल जाएगा तो ये 3300 रुपये होते हैं। फिर 800-900 रुपये में आपको केदारनाथ धाम में कैंप मिल जाएगा तो इस तरह ये 3300, 900, 4200 हो जाते हैं। और उसके बाद एक रात आप सोनप्रयाग में रुकते हैं, 700-800 में यहाँ भी आपको डोरमेट्रिक बेड या धर्मशाला मिल जाएगा। तो कुल मिलाकर कह सकते हैं कि ये 4200 और 700-800 रुपये, 5000 रुपये, इस तरह आपकी जो है हरिद्वार से हरिद्वार वापस तक आने में केदारनाथ धाम की यात्रा में 5000 रुपये में आपकी अच्छे से यात्रा हो जाएगी और 5000 में आपकी यात्रा हो जाती है अगर आप पैदल ट्रैकिंग करते हुए मंदिर तक जाते हैं। अगर आप घोड़ा, खच्चर या पालकी करना चाहते हैं तो आप समझ सकते हैं इनके चार्जेस बहुत अलग हैं, तो वो उनका तो कोई फिक्स नहीं है। और तो 5000 में आपकी हरिद्वार से केदारनाथ धाम की यात्रा हो जाती है। हरिद्वार से पहले का जो किराया है, आप कहाँ से आते हैं ये डिपेंड करता है, तो उसको भी आप अपने अनुसार ऐड कर सकते हैं। तो ये थी एक बजट यात्रा, हरिद्वार से 5000 रुपये में केदारनाथ धाम की यात्रा करके कैसे हरिद्वार वापस आया जाए। तो दोस्तों ये थी केदारनाथ धाम एक सस्ती बजट यात्रा। उम्मीद करते हैं आज की वीडियो आप सभी को अच्छी लगी होगी, तो वीडियो को कर दीजिए लाइक, शेयर जरूर करें। ऐसी ही और जानकारी पाना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आप सभी अपना ख्याल रखें। जय हिंद, जय गंगे माता, जय माता दी, हर हर महा